आज भाई दूज की, यम द्वितीया की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत साधुवादता बधाइयाँ। जो आप सभी आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर 5 दिवसीय दीपावली के पूजन का एक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजन और आज यम द्वितीया। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की ये पावन द्वितीया तिथि, जिसको यम द्वितीया भाई दूज भी कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार बहन और भाई के प्रेम की उदारता को प्रकट करने वाली, वात्सल्यता को प्रकट करने वाली, प्रेम को दर्शाने वाली दो त्यौहार हिंदू धर्म में बहन और भाई के लिए प्रबल है महाराज। पहला श्रावण के महीने में पड़ने वाली श्रावण की पूर्णिमा, जिस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ये त्यौहार भी भाई और बहन को समर्पित है। और दूसरे नंबर का ये पावन त्यौहार जो दीपावली के गोवर्धन पूजन के बाद में दीपावली के दूसरे दिवस में मनाया जाता है, द्वितीय दिवस में मनाया जाता है, जिसको यम द्वितीया कहते हैं, जो यम की कैद से छुड़ाने वाली है। बहन और भाई का संबंध क्या है? केवल एक यमुना मैया और यमराज से ही हमें सीखना नहीं है, हमें भगवान ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, शिव और माता छिप्रिया से भी सीखना है। कि माँ जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती भोजन को तैयार कर रख देती हैं और भगवान शंकर की बहन छिप्रिया जी आती हैं और उस भोजन को ले जाकर नंदीवर को, श्रृंगीवर को, भृंगी को, आदिकादिक को ले जाकर खिला देती हैं। अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ननंद भाभी को कष्ट दे रही है या ननंद भाभी को त्राण दे रही है या परेशान कर रही है, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि हमारी भाभी अगर ननंद कोई शब्द कहती है, ननंद अगर कोई ताना देती है, ननंद अगर कोई कृत्य करती है, तो वो भाभी को बल प्रदान कर रही है कि हमारी भाभी में कितना बल है, कितनी प्रबलता है, कितनी प्रखरता है, कि वो किस कार्य में माता जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती भोजन बनाकर रखती और माता छिप्रिया आती और भोजन ले जाकर नंदी को दे देती, माँ फिर तैयार करके रखती आती और भृंगी को दे देती, माँ फिर भोजन तैयार करती वो उठाती और श्रृंगी को दे देती। वो बारंबार भोजन बना रही हैं और बार बार माता छिप्रिया आकर उसको उठाकर नंदी, भृंगी, श्रृंगी को दे देती है। अर्थात इसमें परीक्षा नहीं है, इसमें माता पार्वती को बल प्रदान करना। अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, थोड़ा सा रोग आता है, थोड़ी सी बीमारी आती है, थोड़ा सा दुख आता है, तो ये ना समझिएगा कि ये हमको परेशान करने के लिए आया है। वो दुख, वो तकलीफ, वो कष्ट, वो रोग, वो बीमारी, जो भी हमारे जीवन में दुख आया है, वो हमको कुछ बल प्रदान करने के लिए आया है, हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। महाराज, संसार का कोई मानव, हमारे अपने संबंधी हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कुटुंब वाले हो, कबीले वाले हो, ये अगर हमको कुछ कह रहे हैं, हमको कुछ ताने दे रहे हैं, हमको अपशब्द कर रहे हैं या हमारे ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, हमारे ऊपर कुछ कह रहे हैं, तो ये हमको बल प्रदान कर रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं। साइकिल चलाने वाला एक बच्चा बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है।
अब उसको अंदाजा लग जाता है कि मैं क्यों गिर रहा हूं, कारण क्या है, तो उस कारण को जानकर उस साइकिल को फिर वो धीरे से चलाने का प्रयास करता है। घर में जो ननंद होती है, भाभी से आत्मीय प्रेम होता है, ऐसा नहीं कि भाभी से द्वेष रहेगा, प्रेम भाव। वो भी चाहती है कि इनमें बल प्राप्त हो, इनको बल प्राप्त हो, जिससे ये आने वाले समय को एक सम्मुख में चुनौती के रूप में लेकर चले, बल प्राप्त। महाराज कितना सुंदर भाव कहा है भगवान शिव। आप सभी ने शिव महापुराण में तो पहले भी श्रवण करा है, आज भाई दूज की कथा है। भैया दूज के अवसर पर यदि हम हमारे शंकर अवघड़दानी और उनकी बहन की बात ना करें तो शायद श्रेष्ठ ना हो। इसलिए कथा के माध्यम से शिव और छिप्रिया की कथा आज निकली है, तो भाव से अपन उसको भी श्रवण करें। दूषण नाम के राक्षस ने जब चारों तरफ उपद्रव मचा दिया उज्जैनी में, और उस अवंतिका पुरी में, उस उज्जैनी में जब चारों तरफ उपद्रव मच गया, जहां तहां चारों तरफ ब्राह्मणों के बच्चों को लेता और दूषण नाम का राक्षस निचोड़ निचोड़ कर पीने लगा रक्त को, भगवान शिव से जाकर निवेदन करा ब्राह्मणों ने, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे भोले बाबा, हे शंभु, कृपा करिए। हे मेरे भोलेनाथ, जब दूषण नाम का राक्षस परेशान करने लगा, कष्ट देने लगा, ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उसका रक्त पीने लगा, तब सारे ब्राह्मणों ने जाकर निवेदन करा भगवान देव अधिदेव महादेव से, प्रभु कृपा करो। शंकर भगवान बोले, मैं इस दूषण नाम के राक्षस का संहार तो कर दूंगा, पर बात ऐसी है कि ये दूषण का जहां रक्त गिरेगा वहां ये और जन्म लेता रहेगा। महाराज 84 बार ये दूषण नाम का राक्षस जन्म ले सकता है, 84 रूप ये धारण कर सकता है। अगर मेरी बहन छिप्रिया आए, जल के वेग में आए, और जहां इसका रक्त गिरे वहां पर जल के वेग से धो दे, तो फिर इसका अवतार नहीं होगा, ये जन्म नहीं लेगा। ठीक है महाराज, माता छिप्रिया से जाकर सारे ब्राह्मणों ने निवेदन करा, हे माँ छिप्रा, हे छिप्रिया, कृपा करिए। जब दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव जब पधारे, उस समय पर आप आना माँ, और उस दूषण नाम के राक्षस का जहां रक्त गिरे वहां उसको जल से धो देना माँ। ठीक है, छिप्रिया जी राजी हो गई, अपने भाई के लिए आने के लिए तैयार हो गई। यही होती है बहन, यही होता है भाई। पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं, केवल मस्तक पर भाई दूज का तिलक लगान लेने से बहन की रक्षा का भार नहीं बढ़ गया। जिस दिन आप एक माता के गर्भ से जन्मे हो, जिस दिन माता के गर्भ से जन्म लिया है आपने, और उसी माता के गर्भ से अगर आपके घर में एक बहन का जन्म हुआ है, बेटी का जन्म हुआ है, उस दिन से रक्षा का भार आपके ऊपर बढ़ चुका है, रक्षा का भार बढ़ चुका है। महाराज दूषण नाम के राक्षस को मारने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव आए, संहार करा, रक्त गिरा। जैसे ही रक्त गिरा, उस रक्त के गिरते 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 84 रूप उस दूषण नाम के राक्षस ने ले लिए। तब भगवान देवाधिदेव महादेव क्या करें, भगवान शंकर उसी समय पर देख रहे थे कि कैसे मार सकता हूं, और माँ छिप्रिया ने आकर जल के रूप में अपने भाई के 84 रूप बना दिए, और 84 रूप भगवान देवाधिदेव महादेव के, महाकाल राजा के जब हो गए, 84 रूप धारण कर दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, काल बनकर मेरे भगवान शिव पधारे, तो उनका नाम महा
काल पड़ गया। बोल महंकालेश्वर भगवान की। माता छिप्रिया जल के रूप में बहने लगी, जिनका नाम छिप्रा हो गया। पहले भी आपको कहा है, आज फिर कहते हैं, पूरे विश्व में भारत की भूमि पर इतनी बड़ी राखी कहीं नहीं बनती जो छिप्रा जी के घाट से, माता छिप्रा के पास से देवाधिदेव महादेव महंकाल राजा को बांधी जाती है। महाकाल बाबा को माँ छिप्रा की ओर से, माँ छिप्रिया की ओर से बांधी जाती है। महाराज, ऐसा बहन और भाई का संबंध होता है। केवल एक ये नहीं कि बहन ने अगर कुछ मांग लिया और भाई ने कुछ दे दिया वहीं तक का संबंध है, तिलक लगवाया और 100-500 का लिफाफा दे दिया वहीं तक का संबंध है, नहीं नहीं। इस दूज का नाम है यम द्वितीया। यम द्वितीया का मतलब है सूर्य नारायण भगवान की धर्म पत्नी माता छाया के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं यम, उनके बाद में जो बहन उत्पन्न हुई है यमुना जी। महाराज, कितना आत्मी प्रेम होगा अगर यमुना जी का संपूर्ण परिवार देखा जाए, यमराज शनि महाराज, यमुना जी, ताप्ती, कितना कितना सुंदर परिवार है। एक बार एक मुखिया जी ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए थे और ठाकुर जी की सेवा में लगे लगे मुखिया जी भगवान से रोज लाड़ लड़ाते, ठाकुर जी का रोज श्रृंगार करते, ठाकुर जी को नए नए वस्त्र आभूषण धराते, सुंदर सामग्री सिद्ध करके भगवान को सामग्री धरा देते, बड़ा सुंदर साज सजाते। एक बार मुखिया जी की ग्रह दशा पर 7:30 आ गया और मुखिया जी की ग्रह दशा पर जब 7:30 आया, शनि जब लगा, अब मुखिया जी कष्ट में हो गए, परेशान हो गए, बड़े दुखी हो गए, आए दिन बड़े कष्ट में रहते। एक दिन मुखिया जी की आंखों में जब जल भर गया, नैनों में जल भर गया, तब श्री ठाकुर जी महाराज स्वयं प्रकट होकर पूछे, क्यों मुखिया जी आज आपके नयनों में जल भरा हुआ है, बात क्या है? शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप शंकर भगवान पर जल चढ़ाए या ठाकुर जी से लाड़ लड़ाए, ठाकुर जी की सेवा करें, ठाकुर जी की अर्चना करें, पाठ करें, पूजन करें, ठाकुर जी का स्नेह लड़ाए, उस समय पर श्रृंगार करते समय, पूजन करते समय, सेवा करते समय, भगवान की आराधना करते समय आपकी आंखों में जल नहीं होना चाहिए। भगवान की अर्चना करते समय जल क्यों आए, किस लिए? उस जल की महत्वता क्या? और महाराज, मुखिया जी बोले, ठाकुर जी समझ में नहीं आ रहा, आज तो शरीर में कष्ट बहुत है और मन में मानसिक टेंशन बहुत है। बाबा बोले, क्यों चिंता करते हो? झारी जी में से यमुना जी को प्रकट करा मेरे ठाकुर जी ने, और यमुना जी को प्रकट कर मेरे ठाकुर जी बोले, यमुना आज आप मुखिया जी जब झारी जी भर रहे थे, आपका श्रृंगार कर रहे थे, ऊपर से वस्त्र ओढ़ा रहे थे, तब आपको मन में है कि आज मुखिया जी के नैनों में जल भरा हुआ है? यमुना जी बोली, ठाकुर मेरे को मालूम है कि आज मुखिया जी के नैनों में जल है, और क्यों है वो भी मैं जानती हूं। जानती हो? हाँ। क्यों जल है? तो कहा, जल होने का केवल एक कारण है कि मेरे भाई शनि की दृष्टि मुखिया जी पे पड़ गई। ओहो, 7.5 वर्ष तक रहेगी। भगवान कृष्ण बोले, यमुना अगर शनि महाराज आपके भाई हैं, हमारे तो साले हैं,
यदि बहन बोले तो क्या भाई मानेगा नहीं? बोलो प्रभु क्या चाहते हो, बस जाओ और शनि महाराज से कहो जो ठाकुर जी से लाड़ लड़ाए, जो भगवान की सेवा में डूबा रहे, जो भगवान की भक्ति में सदा डूबा रहे, उस पर कभी न साढ़े साती लगे न ढैया लगे, शनि की कुदृष्टि उस जीव पर नहीं पड़ना चाहिए। उस जीव पर दृष्टि ना पड़े, ठीक है। यमुना मैया पहुंची सबसे पहले शनि महाराज जी के पास में। शनि महाराज जी से कहा, भैया मेरा निवेदन स्वीकार करोगे? क्या बात है बहन, बस मैं चाहती हूं कि जो लाडले की सेवा करे, जो ठाकुर जी की सेवा करे, जो भगवान की भक्ति में डूबा रहे, उस पर आपकी दृष्टि नहीं पड़े। शनि महाराज बोले, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, कर्म का दंड जीव को भोगना तो पड़ेगा, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे दंड अधिकारी बनाया है, जो किया है वो तो भोगना है, चाहे वो संसार का कोई जीव क्यों ना हो। आपको पहले भी कथा में कहा, किसी से मत डरो पर अपने कर्म से जरूर डरो, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। महाराज, मानव का यदि शरीर मिला हो तो अपना कर्म श्रेष्ठ करते हुए चलो, श्रेष्ठ कर्म करिए। महाराज, शनि महाराज ने कहा यह नहीं हो सकता, यह हो ही नहीं सकता, जो नहीं हो सकता मैं वर नहीं दे सकता। यमुना जी वापिस लौट कर आ गई। समय आया, कार्तिक का महीना था। यमुना जी इससे पहले शनि महाराज के पास बारंबार जा चुकी है, यमराज के पास भी यमुना जी कई बार जा चुकी है, बार बार विनती कर चुकी है, पर मानते ही नहीं। कार्तिक का महीना और महाराज द्वितीया तिथि शुक्ल पक्ष की, आज यमुना जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। महाराज बड़ा सुंदर श्रृंगार, महाराज क्या साज सजाया है मेरी माँ ने, मस्तक पर बोर, कानों में कुंडल, गले में हरवा, हाथों में चुड़ला, सुंदर लहंगा चोली चूंदड़ी मां धारण करी। बड़ा सुंदर श्रृंगार करी और आज मां यमुना जो जा रही है ना, सारे वैष्णवों को पार करने जा रही है। आज यमुना मैया बड़ा सुंदर श्रृंगार कर जा रही है, बड़ा सुंदर श्रृंगार। जिस दिन बहन भाई के घर पर जाए या भाई बहन के घर पर आए, उस दिन बहन के चेहरे की चमक ही दूसरी रहती है। हम भाइयों के चेहरे की चमक तो नहीं कह सकते, पर बहनों के चेहरे की चमक कह सकते हैं कि बहन मायके आए या भाई बहन के घर जाए, इन दोनों में बहन के चेहरे की चमक ही दूसरी होती है। और केवल एक बात याद रखिएगा, यमुना मैया केवल अपने कार्य के लिए नहीं जा रही है, यमराज के पास में, शनि महाराज के पास में, यमुना मैया केवल अपने कार्य के लिए नहीं, कई वैष्णव केवल अपने कार्य के लिए यमुना जी नहीं जा रहे, यमुना जी जा रही हैं संपूर्ण भूमंडल के उद्धार के लिए। सारे
देवी देवता के चरणों का दर्शन अगर आप करेंगे तो सबके चरण एक साथ दर्शन होंगे, पर यमुना जी के चरण का यदि आप कभी दर्शन करेंगे तो यमुना जी का चरण एक आगे एक पीछे है। क्यों? क्योंकि यमुना हर पल हर घड़ी हर क्षण दौड़ती हुई नजर आ रही है वैष्णवों को जोड़ने के लिए, भक्तों को जोड़ने के लिए। यमुना मैया हर पल हाथ में माला लिए दौड़ती हुई नजर आ रही है कि मेरे वैष्णवों को मुझे इस माला में पिरोना है, मेरे वैष्णवों को मुझे जोड़ना है, भक्ति के धागे में जोड़ना है, प्रेम के धागे से जोड़ना है। भागती नजर आ रही, इतनी सुंदर श्रृंगार कर कर मां यमुना चली है, बड़ी सुंदर। महाराज जब बड़ा सुंदर श्रृंगार कर कर पटरानी यमुना जी चली, बीच मार्ग में भगवान कृष्ण मिल गए, मेरे ठाकुर जी प्राप्त हुए। ठाकुर जी ने पूछा, यमुना कहाँ जा रही हो? यमुना जी कह रही हैं, उस दिन गई थी शनि महाराज के पास में पर वर प्राप्त नहीं हुआ था, आज कुछ ऐसा करने जा रही हूं जिससे मेरे दोनों भाई मेरे दरवाजे पर आकर मुझे वर देकर जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। आपको पहले भी कथा में कहा, अगर मनुष्य का विश्वास प्रबल है, भाव प्रबल है, आस प्रबल है, विश्वास प्रबल है, तो यह पक्का है कि भगवान आता जरूर है। भगवान भाव प्रबल है, इसलिए भक्ति के बल पर विदुर जी महाराज के यहां आकर केले के छिलके खा लेते। भाव प्रबल है, भक्ति प्रबल है, इसलिए शबरी अंबा के दरवाजे पर जाकर झूठे बेर खा लेते। भाव प्रबल है, भक्ति प्रबल है, इसलिए कर्मा जी के घर पर जाकर खिचड़ी खा लेते। तो यमुना जी को देखे तो भगवान कह रहे हैं कि कहाँ जा रही हो यमुना, इतना श्रृंगार कर कर। यमुना जी कहती है, प्रभु मैं मेरे दोनों भाइयों को निमंत्रण देने जा रही हूँ। निमंत्रण किस चीज का? मेरे धाम में ब्रजमंडल में मैं उनको बुलाऊंगी। ब्रजमंडल में बुलाऊंगी, क्यों? यमुना जी कह रही है, मैं भूमंडल पर ब्रजमंडल में मेरे शनि महाराज और यमराज दोनों को बुलाऊंगा, दोनों भाई आएंगे। क्यों? तो के भोजन करने। हो द्वारकाधीश कहे, भगवान कृष्ण बोले, ठाकुर जी बोले, ओ यमुना वो तेरे भाई हैं, मालूम है तेरे को? वो यमराज वो शनि महाराज कहाँ तेरे यहां आएगा? यमुना जी बोली, हर बार मैं मेरे भाइयों के यहाँ जाती हूँ, जितने ही बार मौका मिलता है मैं अपने भाइयों के घर में अपने मायके जाती हूँ, पर इस बार मैं निमंत्रण देने जा रही हूँ कि आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा, आपको मेरे यहाँ पहुँचना पड़ेगा। यमदुतिया की कथा कहती है, बहन और भाई का संवाद कहता है, एक बूढ़ी माँ के 7 पुत्र एक पुत्री, और श्राप लगा था उस बूढ़ी माँ के यहां कि तेरे घर में जितने बेटे हैं इनका जब विवाह होगा तो इनको सांप डसेगा, इसको मरना पड़ेगा। बहन बड़ी दुखी है, आज छह भाइयों को सांप डस चुका था, छह भाभियां विधवा हो चुकी थी, वैधव्य हो गई थी, केवल एक भाई बचा। मां ने कहा, बेटा बहन के घर चले जाओ, दूज का तिलक लगवा कर आओ, जाओ। भाई जाए, बहन को सूचना मिली कि मेरा भाई आ रहा है, और एक ही भाई बचा है, अब तो शादी होती है सांप डस लेता है, क्या करूं? भाई का आदर करा, सत्कार करा, सम्मान करा, भाई गया, बहन प्रसन्न हुई, पर चिंता एक ही व्याप रही थी कि एक भाई बचा है और उसको भी सांप डसेगा विवाह में। आया समय, शादी पक्की हो गई, विवाह पक्का हो गया, पर मां को भी चिंता और बहन को भी चिंता कि सांप आएगा और उसको डसेगा शादी में।
बस विवाह होकर आती है बहू और साथ दस लेता। बहन के मन में जब भाव प्रकट हो गया तो विवाह का दोष मिटाया कैसे जाए। मन में आ गया, एक काम करती हूं, जहां मेरा भाई जाएगा, भाई का जहां पूजन होगा, उस जगह पर सबसे पहले पूजन बहन का होगा। बहन भाई का स्वरूप धारण कर कर चली, जहां भाई को खड़ा करते बहन वहां खड़ी हो जाती। बारात चलते चलते पीपल के पेड़ के नीचे रुकी तो भाई से कह दिया, धूप में खड़े हो जा, मैं बैठूंगी इस पीपल के पेड़ के नीचे। लोगों ने कहा, कहां धूप में दूल्हे राजा को खड़ा कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, ये धूप में खड़ा होगा, छांव में मैं बैठूंगी। फेरे में भाई बैठा तो बहन कहती है, पहले फेरे में बैठूंगी। जितने कार्य होते गए, बहन अग्रण्य रहती रही। समय आया जब बहू घर में आ गई, सर्प डसने के लिए घर में प्रवेश कर गया। आज भाई को हटाकर बहन उस स्थान पर बैठ गई जहां पर सर्प डसने आ रहा था। बहन को देखा, सर्प ने भी जान लिया कि आज अगर इस भाई को बचाने वाली है तो ये बहन ही है। भाई को बचाने वाली कोई दूसरी नहीं, यही बहन है। आज मां यमुना भगवान कृष्ण से कह रही है, अगर मैं मेरे भाइयों को निमंत्रण देने जाऊंगी, शनि महाराज और यमराज को निमंत्रण देने जाऊंगी, हर बार मैं जाती थी, अब की बार मैं केवल मिलने नहीं, मैं निमंत्रण देने जा रही हूं कि मेरे भाई आएंगे मेरे यहां। मुझे विश्वास है मेरा भाई पहुंचेगा मेरे यहां, मुझे भरोसा है। महाराज अगर विश्वास प्रबल है तो परमात्मा आता जरूर है। विश्वास प्रबल है परमात्मा क्यों ना आएगा, आया। पहुंच गई यमुना मैया सीधे यम द्वार। भाभी खड़ी थी दरवाजे पर, जैसे ही देखा भाभी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, जीजी आई है। क्या बात है यमुना जी, कैसे आना हुआ दीदी? बस भैया को निमंत्रण देने आई हूं मैं। अच्छा, किस बात का? बस कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है, मैं चाहती हूं उस दिन मेरा भाई मेरे दरवाजे पर आए। यहां तो निमंत्रण दिया, पहुंच गई शनि महाराज के यहां, वहां भी भाभी दरवाजे पर खड़ी थी, हवाई लगाई, भैया आए। क्या बात है बहन यमुना, क्या चाहती हो? यमुना जी कहती है, भैया आपको निमंत्रण देने आई हूं, आपको आना पड़ेगा मेरे यहाँ। ठीक है, दोनों भाइयों ने, यमराज और शनि महाराज ने विचार कर लिया कि बहन के घर जाना है। सालों से बुलाती बुलाती थक गई थी यमुना मैया, पर नहीं आए। रोज निमंत्रण करती थी, नहीं आए, पर आज जो निमंत्रण दिया गया है, आज जो निमंत्रण करा गया है, वो निमंत्रण यमुना जी ने दोनों भाइयों को बुलाने के लिए किया गया, आइए। और आए शनि महाराज और यमराज, स्वयं पधारे ब्रजरज में, ब्रज की भूमि पर, ब्रजमंडल में। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, बहन ने तिलक करा तो यमराज पुकार कर बोले, शनि महाराज और यमराज, जीजी बोल, तुझे क्या चाहिए? इतने में यमुना जी की आंख से अश्रु की धार बह रही, अश्रु की धार। महाराज एक भाई की पूंजी, एक बहन की पूंजी ही प्रेम है, स्नेह है। अश्रु की धार बह रही है, मांग बहन क्या चाहिए? यमुना जी कहती हैं, बस भैया कृपा कर दे, दोनों भाई से एक ही वर मांगती हूं, जो यम द्वितीया के दिन इस यमुना जी के जल में स्नान करेगा वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यमराज कहते, तू इतना सा मांगती है, यमुना मैं तुझे वर देता हूं, यम द्वितीया के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ से मस्तक पर भाल पर तिलक करवाएगा वो यम की कैद कभी नहीं जाएगा, ये वचन देता हूं तुझे। शनि महाराज ने कहा, बहन मैं तुझे वर देता हूं, वचन देता हूं, जो यम द्वितीया का तिलक अपने मस्तक पर धारण करेगा, यम द्वितीया के दिन जो बहन के घर का भोजन ग्रहण करेगा, उसको कभी ना साढ़े साती लगेगा, ना कभी ढैया लगेगा। जो बहन के घर का यम द्वितीया का एक निवाला भी ग्रहण कर लेता है, उसे ना कभी साढ़े साती सताता है, ना कभी ढैया शनि सताता। मैं तुझे वर देता हूं।
आज वही यम द्वितीया की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। माँ यमुना आपके जीवन का कल्याण करे, और दीपावली की जो 5 दिवसीय पूजन आप कर रहे हैं उसमें जो पूजन आपने थाली में रखकर करी है, जिसमें 2 सिक्के चांदी का और अपना सादा सिक्का रखकर उसको बांधकर जो पूजन करी है, उसी थाली में वापिस आज 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा और घी के 5 दिए लगाइए। माता लक्ष्मी को पूजन कर कंकु हरौली हल्दी मौली चंदन चावल मेहंदी अबीर गुलाल लाल पुष्प आदि से पूजन कर माता की आरती करिए भोग लगाकर, और अच्छा मुहूर्त देखकर लाभ और शुभ घड़ी को देखकर झोली पेसार कर अपनी माता लक्ष्मी को प्रणाम कर माता से निवेदन करो, हे माँ अब आप हमारे घर के अंदर हमारे भवन में सदा विराजमान रहो, और माता को अपनी झोली में वो 2 सिक्के जो रखे हैं उसको झोली में डाल लीजिए, 1 कमलगट्टा 1 हल्दी की गठान 1 अमरबेल का टुकड़ा अपनी झोली में डाल लीजिए, और वहाँ से चौकी को पाटे को हटा दो, थाली को हटा दो, और थोड़ा सा हाथ में जल लेकर वहाँ पर पोछा फेर दो, और जो झोली में आपके सिक्के रखे हैं अमरबेल कमलगट्टा हल्दी की गांठ जो रखी है उसको सिक्के के साथ एक डब्बी में या एक वस्त्र में अपनी तिजोरी अलमारी में जो शुभ घड़ी है उसके अंतर्गत लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख दीजिए। 5 दिए जो भगवान के सामने रखे थे उसमें से 1 दिया जिस अलमारी में जिस तिजोरी में तुमने लक्ष्मी रखी है उसी अलमारी उसी तिजोरी के ऊपर उस दिए को रख दीजिए या उसके साइड में रख दीजिए। 4 दिए में से 1 दिया मंदिर में रखिए, 1 दिया पानी के स्थान पर रखिए, 1 दिया तुलसी जी के क्यारे पर रखिए, और 1 दीप घर के हॉल में रखिए। महाराज ऐसे 5 दियों का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण करिए, द्वार पर थोड़ा सा पीला चावल डालकर अंदर की ओर प्रवेश कर लीजिए। बस ये 5 दिवसीय पूजन जो आप माता लक्ष्मी की सुंदर शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे थे वो आज विराम की ओर है। आप सभी ने अपने अपने घरों में दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है उसकी बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो, बहुत बहुत साधुवादता। पूर्ण 5 दिवसीय पूजन का आनंद आप सभी ने ग्रहण किया, आप सभी को दीपोत्सव की भैया दूज की बहुत बहुत बधाई।